G20 की टूरिज्म डेलीगेशन जो है श्रीनगर पहुंची है। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप, पूरा जो कैवलकेड है इस वक्त लाल चौक के बीचों बीच से गुजर रहा है। जैसे हम लगातार कह रहे हैं कि काफ़ी हाई लेवल सिक्योरिटी है, और उसके बीच आप देख सकते हैं कैसे जो है मोटरसाइकिल सवार जो सिक्योरिटी के हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लीड कर रहे हैं। और ये देखिए डेलीगेशन जो है श्रीनगर पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट पहुंचने पे जो है इनका ज़बरदस्त वेलकम किया गया, वहाँ भी एक कल्चरल शो था। और कश्मीर का एक जो है, जिसको कहते हैं एयरपोर्ट पे उतरते ही कश्मीर का जो एक पिक्चर है क्लियर करने के लिए कि क्या हेरिटेज है, क्या यहाँ का ट्रेडिशन है, कल्चर का थोड़ा सा जो है उनको एक पता चला। और अब जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी जो डेलीगेशन है हाई लेवल सिक्योरिटी में जो है लाल चौक के बीचों बीच होते हुए डल की तरफ जा रहे हैं, SKICC की तरफ जा रहे हैं, जहां पहले तो ये होटल जाएंगे जहां इनका जो है रहने का रहेगा, और उसके बाद जो है SKICC की तरफ जो है ये बढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं गाड़ियों में ये डेलीगेशन है, कई सारे लोग इसमें जो कि साथ आए हैं डेलीगेशन के, जो सपोर्ट टीम रहती है वो भी हैं, और सिक्योरिटी के बीच जो है इनको यहाँ से जो है SKICC की तरफ ले जाया जा रहा है। पूरा रूट जो है सैनिटाइज्ड है, सिक्योर्ड है, और चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है। इस पूरे रूट की पिछले 3-4 दिन से जो है, जिसको आप कहेंगे एक ड्राई रन भी हुई और एक जो है रिहर्सल भी किया गया पुलिस की तरफ से कि कैसे जो है इस कैवलकेड को इस रूट के थ्रू जो है डल लेक की तरफ ले जाया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है सिक्योरिटी को, और बिना वजह नहीं है, क्योंकि लगातार थ्रेट हैं लश्कर और जैश शैडो आउटफिट के जो है थ्रू लगातार ऑनलाइन जो है थ्रेट निकल रहे हैं उनकी तरफ से कि वो जो है कुछ बड़ा करेंगे, इस मीटिंग को होने नहीं देंगे। लेकिन जो सूत्र हैं हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज में, वो कह रहे हैं कि जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, और पिछले लगातार कई दिन से हम बता रहे हैं कि कैसे जो है मल्टी एजेंसी एफर्ट है, कैसे पहली बार मार्कोस NSG जैसे इलीट कमांडोज इस जो है मीटिंग को सिक्योर करेंगे, और पूरा एक सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है। तो G20 डेलीगेशन जो है श्रीनगर पहुंच चुकी है। आज से 2 दिन, तकरीबन 3 दिन तक जो है अलग अलग मीटिंग्स होंगी, और जैसे आप देख रहे हैं कि एक और जो एक काफिला है गाड़ियों का आया है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, लगातार जो है आगे पीछे पायलट गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी सिर्फ सड़क पे ही नहीं है, एरियल सर्वेलेंस भी है। जैसे आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में जो है डेलीगेट्स जो है डल लेक की तरफ जा रहे हैं, SKICC की तरफ जा रहे हैं, और ये तकरीबन 200 से 300 गाड़ियों का काफिला है जो रुक रुक के जो है आगे बढ़ रहा है। टॉप लेवल की सिक्योरिटी है, बहुत सारे टॉप ऑफिसर्स जो SP रैंक के हैं या अलग अलग बेल्ट फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं जगह जगह तैनात हैं, ताकि कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं रहे सिक्योरिटी प्लान में। तो 2 दिन तक ये जो है चलेगी ये मीटिंग, अलग अलग फंक्शंस हैं, ज़्यादातर जो है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ पे जो है मीटिंग्स होंगी, और उसके अलावा जो डेलीगेट्स हैं उनको जो है उनकी मर्जी के हिसाब से जो है साइट सीइंग भी कराई जाएगी। हालांकि गुलमर्ग और दाचीगाम जो एक पहले प्लान में थे, अब वो नहीं है। पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का इशू था, तो कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसलिए जो है वो जो दो जगह हैं उनको हटाया गया है। लेकिन फिर भी श्रीनगर में इनकी काफ़ी सारी जो है एंगेजमेंट्स रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है डल लेक के आसपास ही जो है एंगेजमेंट्स रहेंगी, और 2 दिन तक जो है कई लेवल की मीटिंग्स होंगी, और कोशिश ये है कि कश्मीर को जो है एक इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह जो है प्रमोट किया जाए। और जहाँ हालांकि लोकल टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो एडवाइजरीज हैं, एडवर्स एडवाइजरीज, वो हटें, अलग अलग जो देश हैं वो हटाएं, और अपने जो है नागरिक कश्मीर की तरफ भेजें, ताकि इसको एक वर्ल्ड लेवल की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, न्यूज़ नेशन के लिए।